हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दिस इज बाय आदर्श कुमार। टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट द कॉलेज ऑफ कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे कि इस कॉलेज के एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है जो आपको फॉलो करना होता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। देन हम बात करेंगे कॉलेज की ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, स्कॉलरशिप का सिनेरियो कैसा है, बिकॉज स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारे लोगों के लिए। जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कॉलरशिप, तो इसके बारे में अच्छे से बात कर रहे होंगे। हम स्विच करेंगे कॉलेज का प्लेसमेंट की तरफ, क्योंकि कॉलेज का जो प्लेसमेंट होता है उसके बारे में अच्छे से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये चाहते हो कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो और आप कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके अच्छा खासा पैकेज उठा के जा रहे हो, कॉलेज से निकल रहे हो, इसलिए हम प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से बात कर रहे होंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत करो, पूरा वीडियो देख कर जाओ, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हो तभी आपसे जो पार्ट मिस हुआ होता है वही पार्ट आप मेरे से आके कमेंट सेक्शन में पूछते हो, मेरे को बताना अच्छा ही लगता है, इसलिए पूरा वीडियो देख कर जाया करो। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दिया करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो रेड कलर का बटन है वो अगर ग्रे हो जाता तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है हमें भी और आपको भी, तो उसको करके जाया करो। अब चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और सारी चीजें कंटिन्यू करते हैं, तो चलो चलते हैं। तो हम आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपको दिख रही मेरे सामने। अगर मैं बात करूं, ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में, उस टाइम पे यहां पे मॉडेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो 180 थे। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज की स्ट्रेंथ की तो 6500 प्लस स्टूडेंट्स हैं इस कॉलेज के अंदर। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनाइज की तो 19,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जो अच्छी अच्छी पोजीशन पे जॉब वगैरह कर रहे हैं आप देख सकते हो। प्री कॉलेज यार AKTU अप्रूव्ड है, ओके, AICTE से अफिलिएटेड है, ए ग्रेडेड कॉलेज है, ओके, ये बात आप याद रखिएगा कि कॉलेज जो है वो ए ग्रेडेड है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर की, तो यार JMS के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले रहे होते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आप JMS के थ्रू लेते हो तो आपके यहाँ पे 85% चांसेस है कि आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेते हो तो आपके 15% चांसेस ही होते हैं, क्योंकि 15% ही सीट यहाँ पे फिल करी जाती है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, और 85% सीट फुल करी जाती है आपकी जेई मेंस के थ्रू बीटेक के अंदर, ओके। तो आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं यार मैं यहाँ पे, तो आपका वही 65% ऐसे होता है आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। अगर यहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले रहे हो तो आपका PCM के जो मार्क्स होते हैं उसके बेस पे ही यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बच्चों को सीट्स दी जाती है इंटरव्यू के बाद में, ओके। पहले इंटरव्यू होता है उसके बाद सीट अलॉट करी जाती है सारे बच्चों को, ओके, जो भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ रहे होते हैं। बी फार्मा की बात करें यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का दिखा रखा है। उसके बाद यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे MTech और M Pharma की, उसके लिए भी यहाँ पे आपको ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं, आप ये सारी चीजें से एडमिशन ले सकते हो, आप सारी चीजें पढ़ सकते हो, ओके। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे MTech की, आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही देखने को मिलती है MTech के अंदर, ओके। बीटेक की बात करूँ यहाँ पे तो कंप्यूटर साइंस मिलती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर आपको कोर ब्रांच AI मिल जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाती है, और इसके अंदर आपको मिल जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ मशीन लर्निंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपको सारी ब्रांचेस यहाँ पे दिखा रखी है, आप देख के पढ़ सकते हो। बी फार्मा यहाँ पे होता है, MCA यहाँ पे होता है, MBA यहाँ पे होता है, एम फार्मा भी यहाँ पे होता है, उसके अंदर आपको ब्रांचेस भी यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, तो आप उसको देख सकते हो। NIRF रैंकिंग की बात करूँ यहाँ पे तो 2022 में जो इंजीनियरिंग की NIRF रैंक है वो 187 है, फार्मेसी रैंक जो है वो 97 है। मैं इसको मैटर नहीं करता हूँ, गौर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसके बेसिस पे इसको मेंटेन किया जा रहा है, तो मैं इसको गौर नहीं करता हूँ, ओके। बाकी सारी चीजें आपको दिखा रखी है, पैकेज वगैरह यहाँ पे हाईलाइट दिखा रखी है, पर हम इसके बारे में अच्छे से बात कर रहे होंगे, आप परेशान मत हो, ओके। हम चलते हैं अब इनके कोर्स फीस की तरफ, कि इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। तो मैंने इनका फीस स्ट्रक्चर देखा तो बहुत छोटा सा फीस स्ट्रक्चर दिखा रखा है, कि बहुत सिंपल और सुवर है। जो टोटल फीस होती है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की जो लग रही होगी वो 1,38,499 रुपीज आपको यहाँ पे ट्यूशन फीस पे करनी पड़ जाती है, ओके। अब हम चलते हैं सीधा इनके स्कॉलरशिप की तरफ, स्कॉलरशिप का जो सिनेरियो है वो कैसा है। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो UP 200% स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट, यानी जिनकी मेरिट अच्छी होती है उनको स्कॉलरशिप मिल रही होती है बेस्ड ऑन मेरिट यहाँ पे दिखा रखा है, ओके। और आपकी जो लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में जो स्कॉलरशिप मिल रही होगी वो आपके जो रिजल्ट्स आते हैं सेमेस्टर के और ओवरऑल ईयर के, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप पे करी जा रही होती है। तो आप इसको आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी मिलती है मेरिट बेस्ड आपको यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखा रखा है। मेरिट बेस्ड की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो 98% से प्लस आपके होने चाहिए तो आपका यहाँ पे फी वेवियर हो जाता है, ओके। ट्यूशन फी
बिहेवियर ही होता है, ऑस्ट्रसी बिहेवियर नहीं होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ। और कोर ब्रांचेस के लिए यहाँ पे 95% प्लस है आपके 12th में, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो ट्यूशन फीस है वो कुछ बिहेवियर हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, सारा कुछ दिखा रखा है, अब उसको देख के आराम से प्रीफर कर सकते हो। मैं आपको पूरा पीडीएफ अच्छे से दिखा दिया है, वॉक थ्रू करवा दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करो और आराम से पूरा ये पीडीएफ को देखो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस की बात करूँ, तो आपको यहाँ पे बॉयज हॉस्टल के लिए 89,000 रुपीज पे करने होते हैं। सेम यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी 89,000 रुपीज आपको यहाँ पे करने होते हैं। सिक्योरिटी फीस की बात करूँ यहाँ पे, तो 5,000 आपको पे करने होते हैं गर्ल्स के लिए भी, बॉयज के लिए भी सेम 5,000 रुपीज पे करने होते हैं, जो आपका एट द एंड आपको रिफंड हो जाते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल फीस की, तो 94,000 आपको यहाँ पे करने होते हैं, जो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ओके, उसके बाद बेडिंग चार्जेस अगर देताओं में, आपको मैट्रेस, पिलो, कवर और बेडशीट अगर आप लेते हो यहाँ से, तो आपको यहाँ पे 2,000 रुपीज पे करने होते हैं। उसके बाद गर्ल्स को भी सेम पे करने हो जाते हैं। और एयर कंडीशन रूम अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ठंडी ठंडी हवा के अंदर सोएं हम और मजे मस्ती करें, आपको 25,000 रुपीज और पे करने पड़ जाएंगे यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फीस की, तो यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर आप गाजियाबाद के हो, तो आपको 20,000 रुपीज पे करने पड़ जाते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है सबका अलग अलग, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का कि आपको यहाँ पे इतने इतने पैसे पे करने पड़ रहे होंगे, अगर यहाँ से आप आसपास से बिलोंग करते हो, ट्रांसपोर्ट लेते हो यहाँ का, कुछ इस तरीके की फीस आपको यहाँ पे करनी पड़ जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हॉस्टल का सिनेरियो था, ट्रांसपोर्ट फीस मैंने आपको बता दी है। अगर मैं अब चलूं इनके प्लेसमेंट पोर्टल की तरफ, की प्लेसमेंट का जो सिनेरियो है वो कैसा है, तो अपन चलते हैं पहले ओवरव्यू अगर दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे, तो ओवरव्यू में कुछ देखने को नहीं मिलता है, अपन सीधा चलेंगे प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि वही अपने लिए ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे देख के बताऊं, तो यहाँ पे 2017 और 18 में 1247 बच्चे ही प्लेस्ड हुए थे, मतलब इतने ऑफर यहाँ पे बच्चों को मिले थे। उसके बाद 18 और 19 की बात करूं यहाँ पे, तो 1436 था, जो नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है हर ईयर। ओके, अब ये चीज ध्यान दो यहाँ पे कि नंबर इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बीच में, तो यहाँ पे ये बहुत कम नंबर इंक्रीज किया है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई थी पैंडेमिक आ गया था यार, कोविड आ गया था, जिसकी वजह से जो प्लेसमेंट थे वो बहुत थोड़े कम हो गए थे, क्योंकि सारी कंपनियों ने वर्चुअल प्लेसमेंट लिए थे, तो सारे बच्चों के प्लेसमेंट नहीं हो पाए थे। पर फिर भी इस कॉलेज ने बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखा है। अभी मैं आपको उनका और रिकॉर्ड दिखाऊंगा, जिसमें आपको सारी चीजें देखने को वेल मेंटेन दिख रही होंगी, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। अगर मैं बात करूँ 2021 और 2022 की, तो इन्होंने बहुत अच्छा खासा बूम मारा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 2244 यहाँ पे बच्चे को ऑफर्स मिले हैं, मतलब इतने बच्चों को ऑफर मिले हैं, जो एक अच्छा नंबर है। अगर मैं यहाँ पे सीधा प्लेसमेंट रिकॉर्ड खोल के दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे दिखा रखा है कि 2022 में 207 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 200 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं सीएससी के अंदर, मतलब एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात करूँ यहाँ पे, तो 96.62 का परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका ये चांस है कि यहाँ पे 96% आपकी प्लेसमेंट हो रही होगी। तो मतलब इतना जो परसेंटेज है वो बहुत कम कॉलेज दे रहा होता है। सारे कॉलेज लिख देते हैं कि 100% 100% 100%, जो रियल नहीं होता है, फेक होता है, आप उस चीज को याद रखिए, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कॉलेज 100% प्लेसमेंट नहीं दे रहा होता है। इन्होंने रियल दिखा रखा है कि 96% ये लोग प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर बात करूँ, एवरेज पैकेज बहुत अच्छा खासा है, मुझे मैंने देखा तो मैं एकदम इंप्रेस्ड हो गया पहली बार में कि 8.98 का यहाँ पे एवरेज पैकेज है, जो बहुत अच्छा नंबर है। हाईएस्ट सीटीसी की बात करूं यहां पे, तो यहां पे 44.14 लाख का यहां पे हाईएस्ट सीटीसी देखने को मिल जाता है। ओके, उसके बाद अगर 2021 की बात करें, तो 216 बच्चे थे, जिसमें से 189 इन्होंने फिर भी प्लेस्ड करवा दिए थे, जो बहुत अच्छा खासा नंबर है। 87% इन लोगों ने मेंटेन करा था यहां पे। इन्होंने आप देख रहे हो यहां से, जैसे ही 2022 में इन्होंने अच्छा खासा यहां पे बूम मारा है, देख रहे हो परसेंटेज में भी अच्छा खासा इन्होंने यहां पे मेंटेन कर रहा है, जितनी कोशिश हो सकी है उतना मेंटेन किया है, आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे आईटी सेक्टर की, तो कुछ इस तरीके का आपको यहां पे प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, जिसका 97% इन्होंने दिखा रखा है कि 194 में 190 बच्चे प्लेस्ड इनके हो गए हैं एक अच्छी खासी कंपनीज में। एवरेज सीटीसी की बात करें, तो 7.28 का है, और हाई सीटीसी की बात करें, तो 48.40 का हाई सीटीसी यहाँ पे मिल रहा है, जो बहुत अच्छा खासा नंबर है, देख के मतलब आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड। इसी की बात करें यहाँ पे 2022 में आपको 193 बच्चे देखने को मिलते हैं, जिसमें 169 बच्चे प्लेस्ड हो रखे हैं, 87% इन्होंने बना रखा है, 5 लाख इनका एवरेज पैकेज है, 44 लाख यहाँ पे जो इनका
एवरेज पैकेज नहीं है, हाईएस्ट पैकेज है आप देख सकते हो, तो बहुत अच्छा नंबर इन्होंने बना रखा है। अगर आप देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इनका जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा है, इन्होंने हर ईयर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्रिपल ई की, तो इसका भी कुछ अच्छा खासा यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है, इनका प्लेसमेंट वगैरह अच्छा है, 91% इन्होंने बना रखा है। हाई सी टी सी जो है इनका 23 लाख का है, एवरेज सी टी सी जो है वो 5 लाख का है, तो बहुत अच्छा नंबर मेरे को लगा ये चार ब्रांचेस का, सी एस ई, आई टी, ईसी और ट्रिपल ई का। पर फिर भी अगर आप एमई से बीटेक कर रहे हो, ईसी से या फिर ई ट्रिपल ई से, ईसी से, किसी से बीटेक कर रहे हो, तो भी आप सीएस आईटी सेक्टर में जा सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी करके और डीएसए वगैरह अच्छी करके इसमें एंटर कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा पैकेज ग्रैब कर सकते हो। उनको ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी कौन सी ब्रांच है, उनको ये डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमसीए की, तो एमसीए के लिए भी यहाँ पे दिखा रखा है, आप देख सकते हो और प्रिफर कर सकते हो। अगर बात करें यहाँ पे रिक्रूटर्स की, तो रिक्रूटर्स यहाँ पे जो मेजर रिक्रूटर्स हैं वो कैपजेमिनी है, एसेंचर है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एससीएल है। ये लोग जो होते हैं, ये कंपनीज वाले जो होते हैं, ये बल्क में बच्चे लेके जा रहे होते हैं, मास रिक्रूटिंग कर रहे होते हैं कंपनीज के अंदर, तो इनका जो एवरेज पैकेज है 5 लाख और 8 लाख का, वो लाइक 5 लाख का जो मिनिमम पैकेज इनका मेरे को समझ में आ रहा है वो यही कंपनीज दे रही होती हैं, 5 लाख 6 लाख का एवरेज लाइक मिनिमम पैकेज। और बात करें यहाँ पे अगर स्टार रिक्रूटर्स की, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो स्टार रिक्रूटर हैं, जो बहुत अच्छा खासा ड्रीम पैकेज आपको दे रही होती है, जैसे 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख 40 लाख 45 लाख 48 लाख, ये सारे पैकेज आपको स्टार कंपनीज दे रही होती हैं। ओके, फार्मेसी की बात करें यहाँ पे, तो सिप्ला और ये सारी कंपनीज आती हैं। इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर आपको ये सारी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपको एमबीए रिक्रूटर्स के लिए भी कंपनीज यहाँ पे आती हैं। तो मेरे को लिटरली बहुत इंप्रेसिव लगा ये कॉलेज, और इसका जो जितना भी सिनेरियो है प्लेसमेंट का और सारी चीज़ों का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो यहाँ पे आपका 8 लाख आ रहा होता है, और अगर मिनिमम पैकेज की बात करें तो 5 लाख आ रहा होता है, और आपका जो हाई सी टी सी है वो 48 लाख तक गया, तो मतलब एक बहुत अच्छा नंबर है। देख के मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया और मेरे को बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा कॉलेज देख के। ओके, अगर बात करें यहाँ पे आपके टोटल खर्च की, तो आपका 10 लाख रुपए सब कुछ मिला के, हॉस्टल फीस लाइक ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सारा कुछ इंक्लूड करके आपका 10 लाख रुपए खर्च होने वाला है। अगर 10 लाख रुपए लगा के आप एवरेज पैकेज 8 लाख का उठा ले रहे हो, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पैकेज ग्रैब कर रहे हो। ओके, आप ज्यादा का भी पैकेज ग्रैब कर सकते हो और 8 लाख का भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप मिनिमम पैकेज ग्रैब कर रहे हो, एवरेज पैकेज ग्रैब कर रहे हो, या फिर आप हाई सीटीसी ग्रैब कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है टोटली। ओके, अब आपको मैं अगर बताऊं ओवरऑल रिव्यू इस कॉलेज का, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके, प्रोस कॉन्स की बात करें अगर, तो प्रोस जो है इस कॉलेज के, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी कंपनीज आ रही होती हैं। ओके, आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी खासी मिल रही होती हैं। अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, छोटा है पर बहुत अच्छा है। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉन्स की, तो बस ये कॉलेज जो है वो जेईई मेंस के थ्रू ले रहा होता है, इसके लिए आपको कॉम्पिटिट करना होगा बहुत सारे बच्चों के बीच में। तो अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम देके आ रहे हो, तो आपको दिल्ली कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। ओके, अगर यहाँ पे आप, अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका जो पीसीएम का रिकॉर्ड है, पीसीएम का जो लाइक रिजल्ट है, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। तो आप ये बातें याद रखिएगा। बाकी ओवरऑल बताइए, अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद यहाँ तक आ गए हो, अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बार बार क्लिक कर रहा है, तो आप आराम से जाओ कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं एज सून एज पॉसिबल आपका वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।